वालेकुम मैं यार कल यानी के आठ जून से मसाजिद सारे हिंदुस्तान में ओपन होने जा रहे हैं तो उसके कुछ हिदायत भी हमारे अहले सुन्नत कर्नाटका मौलाना सैद मोहम्मद तनवीर हाशिम मुफ्ती मोहम्मद अली खासी और जुमला आराकी ने जमायत अहले सुन्नत कर्नाटका बंगलोर के कुछ हिदायत बरए ज़िम्मेदारा ने मस्जिदों मुसलियान और मख्त्य हजरात को बता हैं तो अलहमदिल्ला आठ जून दो हज़ार बीस से हुकूमत की जानब से मसाजिद खोलने का एलान किया गया है याद रखें करोना वायरस कोविड नाइन्टीन के सबब एहतियातन तदाबीर पर अमल करना पेशा ज़रूरी है इस जमन में मंदरजा जैल अमवार पर ख़ुद अमल करें और दूसरों को भी इससे मालूम कराएँ नमाज को आते वक्त अपने घर से वजू करके मस्जिद में आए दूसरा घर से मास्क लगा कर मस्जिद के अंदर के खुला और वज़ू ख़ानों के इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें मसाजिद के ज़िम्मेदारान वज़ू ख़ानों में लिक्विड सोप का इंतज़ाम करें मसलियान मख्तिय हजरात मस्जिद में रखी गई टोपी तोलिया इस्तेमाल ना करें हो सके तो घर से जाए नमाज ज़रूर लाएँ जुम्मा का खुतबा मुख्तसर हो और जुम्मा के दिन ज़्यादा भीड़ भी जमा ना करें इतिहाता मुसाफा और मुआवजा भी ना करें सफों में मुनासिब फासिला रखें और मस्जिद के दरवाजे पर भीड़ जमा ना करें बखार खांसी सर्दी जैसे अमराज हों तो हरगिज़ मस्जिद ना जाएं दस साल से कम उम्र वाले बच्चे और साठ साल से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग हजरात घर में नमाज अदा करें मसाजिद के ज़िम्मेदारान मसाजिद की सफाई का खास ख्याल रखें मसाजिद ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि मसलियों को टेम्परेचर चेक करने का इंतज़ाम करें और तमाम अहबाब के मशवरे के सुनने के बाद अमीर शरीयत ने अपने खिताब में कहा कि तकरीबन ढाई माह बाद हुकूमत हिंद के हिदायत की रोशनी में हमारे रियासत हुकूमत ने भी आठ जून से मसाजिद खोलने एतिहाता के साथ नमाज की अदायी के लिए इजाज़त दी है हुकूमत की जानब से मस्जिद खोलने और नमाज की अदायी के, के फ़ैसले का हम मुसलमान हिंद इस्तबाल करते हैं लेकिन अब मस्ाजिद खुलने के बाद हम पर एतिहाता पर अमल पैरा होने की भी अहम जिम्मेदारी आयद होती है इस बात की पूरी कोशिश की जाए कि मस्जिद में ज़्यादा मजमा जमा ना हो पाए हमने ढाई माह से आम लोगों की जान और सेहत की हिफाजत के खातिर हुकूमत और तबी माह की और डॉक्टरों की हिदायत पर ना पंचगना नमाज अदा की ना जुमा की नमाज़ यहाँ तक कि माह रमज़ान के दौरान मस्ाजिद में इतियार और तराबी की भी एहतमाम नहीं किया गया मस्ाजिदों के अंदर घरों के अंदर नमाज हमने अदा कर ली सिर्फ़ अजान की अजान दी जाती रही और वबा को फैलने से रोकने एहतियातन बरती गई इस साल हमने ईदगाहों में और मसाजिद के मैदानों में ईद की नमाज़ भी अदा नहीं की और औरबानी भी हमने दी गर्ज़ ढाई माह से हुकूमत की हिदायत पर हमने ये सारी क़ुरबानियाँ अवाम की जान और सेहत की हिफाजत के लिए दी हैं मगर अफसोस के इन बड़ी क़ुरबानियों के बावजूद बाज़ लोगों ने बाज़ मोदी गोदी मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने की भी कोशिश की अब जब मसाजिद खोली जाएंगी तो हमारी ज़िम्मेदारी, जिम्मेदारी हमारी जरासी कोताही पर हमें बदनाम किया जा सकता है हमें चाहिए कि हम किसी को हमें बदनाम करने का मौया ना दें और तमाम जारी हिदायत पर मसाजिद में नमाज के दौरान बायदा अमल करें इससे खबर सीनियर आई एस अफसर मोहम्मद मोहसिन ने भी कहा कि आठ जून से मसाजिद खुल रहे हैं नमाज के दौरान मस्ाजिदी सफाई और समाजी दूरियों पर पूरे एहतियात बरती जाए उम्मीद है कि मसाजिद के खुलने के बाद बेहतर माहौल बनेगा दुआ करें अल्लाह इज़्ज़त दुनिया को इस वबा से जल्द निजात दे इस सिलसिले में हर नमाज के बाद दुआ करें और खासकर हमारे इस देश से इस कोरोना वायरस की बीमारी की वबा दूर हो जाए मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ख़ास कर हमारेमा कराम को हमारे मस्जिदों को किसी को बदनाम करने का मौका ना दें ये टीवी चैनल यानी ये कुछ टीवी गोदी मीडिया के नाम से हैं वो ताक में रहते हैं कि कब किसको लेकर किस, ले किस तरीक़े से लेकर बदनाम करें तो हमें चाहिए कि किसी को हमें बदनाम करने का मौख़ दें मौका ना दें तो हमें इक्राम ने जो बताए हुए है शराइत हैं उस पर अमल करें और हर नमाज में दुआ करें कि हमारे इस देश से हमारे गाँव से हमारी गलियों से इस वबा को ख़ातिमा अल्लाह ताला ने कर दे शुक्रिया